हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि जो भी मेरे फिशेज है वो बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, या फिर मेरी जो फिशेज है ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। मैं जो भी फिशेज अपने टैंक में इंट्रोड्यूस करता हूँ वो साथ ही साथ उसके साथ फाइट करने लगती है, या फिर मैं जो भी फिशेज अभी खरीद के लाया हूँ ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है दूसरे फिशेज के ऊपर, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन के लिए प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर मेरा आने वाला हर वीडियोस का जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखे होंगे कि जो फिश शॉप है वहां पर एक छोटा सा 2 फीट का एक्वेरियम होता है, और उसमें ही वो लोग 20-30 फिशेस डाल के रखते हैं, और वहां पर वो जो फिशेस बहुत इत्मीनान से रहती है। लेकिन वही फिशेस को जब हम लोग 1 या 2 फिशेस को वहां से बाय करते हैं और उसको अपने टैंक में डालते हैं, तब हम लोग देखते हैं वो जो फिशेस बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर एग्रेसिव हो रही है और एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है? या फिर आपके पास कोई भी एक पहले से फिश थी और अब आपको एक न्यू फिश को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपकी पुरानी फिश है वो नई वाली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है? या फिर कोई भी फिश जो आप लेके आए ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, अब इसका एग्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं? ये सारा जो था, ये सारा ही आपका कमेंट था, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में ये सारा कमेंट्स का आंसर दे पाऊं। तो सबसे पहले तो जो भी आप फिशेज ला रहे हैं उसको आपको पहले अच्छे से रिसर्च करना है कि ये जो फिश है ये अकेला रह सकती है कि नहीं, या फिर ये जो फिशेज है ये स्कूलिंग फिशेज है, इसको आपको ग्रुप में रखना है। ये सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। सिकलेट फिशेज जो होती है ये एक स्कूल पे रहना पसंद करते हैं, या फिर बहुत सारे क्वांटिटीज में आप इसको जब रखिएगा तब आप देखिएगा वो फिशेज जो है वो फाइट नहीं करेगी। लेकिन वही आप अपने एक टैंक लीजिए, उस टैंक में 2 या 3 सिकलेट फिश डाल दीजिए, तो आप देखिएगा जो सबसे वीक वाली फिश होती है उसको सारी फिशेज मारेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपके पास कोई 3 सिकलेट फिशेज है उसमें आप 2 या 3 और सिकलेट ऐड कर दीजिए, तब आप देखिएगा ये जो फाइट है ये अब कम हो गया है। सेकेंड, अगर आप कोई भी अपने टैंक में अग्रेसिव फिशेज रख रहे हैं, जैसे कि कोई भी सिकलेट फैमिली से कोई भी फिशेज क्यों ना हो, कोई भी फिशेज अगर आप अपने टैंक में रख रहे हैं और वो फिशेज बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तब अपने टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस को इंस्टॉल कीजिए। हाइडिंग प्लेसेस में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा रॉक हो गया, या फिर बहुत सारा केव जैसा स्ट्रक्चर आप बना दीजिए। प्लास्टिक का प्लांट्स वगैरह बहुत सारा मिलता है, वो सब का भी आप यूज कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वुड होता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये सारा चीज से ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस बना दीजिए। और वैसे ही सिकलेट फैमिली में जो भी फिशेज है उसको स्टोन्स वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये सब चीज अपने टैंक में रखिए, तब आप देखेंगे आपका जो भी फिशेज में फाइट है वो कम हो गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि मेरा एक टैंक है 3 फीट का, उसमें एक पैरेट फिश है। अब हम लोग उसमें जो भी फिश न्यू ऐड करते हैं वो जो पुरानी फिश है वो नई वाली को मारती है, और एट द एंड जो भी हम नया फिश लाया वो मर जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप जब भी न्यू फिश को ऐड कर रहे हैं अपने टैंक में, तब क्या कीजिए, पुरानी जो फिश है उसको भी वहां से निकाल लीजिए, और वो जो भी टैंक का सेटअप उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, और उसके बाद दोनों ही फिशेस को साथ में इंट्रोड्यूस कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सिकलेट फैमिली के जो भी फिशेस होती है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है अपना एक एरिया के लिए, या फिर अपना एक टेरिटरी के लिए। अगर एक फिश पहले से ही उस टैंक में है तो वो सोचेगी वो जो टैंक है वो पूरा मेरा एरिया है, और वो एरिया में आप कोई भी फिश को न्यू ऐड कीजिएगा तो वो उसके साथ फाइट करेगी, और वो तब तक फाइट करेगी कि वो फिश जो है वो मर ना जाए। इसलिए जब आप दोनों ही फिशेस को एक साथ में ऐड कीजिएगा, वो उन लोगों को लगेगा क्योंकि आप सेटअप को चेंज कर दिए हैं और उसके बाद अपने फिशेस को ऐड कीजिएगा, तो फिशेस को लगेगा कि दोनों ही जो फिश है वो एक न्यू एरिया में आई है। ऐसे केस में फिशेस जो वो एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करेगी। इसलिए तो ये भी जो है ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसको भी आप जरूर से ट्राई कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं, आप एक बहुत बड़ा सा फिश का ग्रुप भी बना लिया अपने टैंक में, उसके बाद भी उसमें एक फिश जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और वो जो फिश है सबको मार रही है, और इस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान है, तब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास एक ही सोल्यूशन है, वो जो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव फिश है उसको आप सेपरेट कर लीजिए और उसको आप फिश शॉप में वापस कर दीजिए, और उसके जगह में आप कोई न्यू फिश को ले लीजिए। ये सबसे एंड सोल्यूशन है, और मैं जानता हूँ ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अपने टैंक में कोई फिश को आप रखते हैं तो उससे आपका एक कनेक्शन बन जाता है, लेकिन उसको फिर वापस देना एक थोड़ा सा दिल में लगता है,
लेकिन अगर आप इस चीज से परेशान हैं तो यही सबसे एंड सोल्यूशन है, क्योंकि कोई कोई फिश का जो नेचर होता है वो अग्रेसिव ही होता है, उसका नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। और मैं नॉर्मली अपने इतने साल के फिश कीपिंग हॉबी में सीखा हूँ, अगर आप कोई फिश को ग्रुप में रखिएगा, वो बहुत अगर एग्रेसिव भी क्यों ना हो, अगर वो फिश का एक ग्रुप है तब देखिएगा ये सब जो अग्रेशन है या फिर ये सब जो फिशेज में फाइट है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपका टैंक भी बड़ा होना चाहिए, तब ये जो चीज है बहुत अच्छा वर्क करे। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी इन्फॉर्मेशन था आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है फिश रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो मेरा रिप्लाई है वो हमेशा की तरह इंस्टेंटली मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब हम लोग मिलेंगे मेरे एक न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।